Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عوذ بالله من الشيطان الدجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Am تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سبأ السبيل. क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी तरह सवालात करो जिस तरह मूसा मुसलमान से सवालात किए गए थे और जिसने ईमान के बदले कुफर का सौदा किया तो वो बहुत बुरे रास्ते पर गुमराह हो गया नाजरीन ने किराम ये अल बकरा की आयत नंबर 108 है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तरबियत की तरबियत के लिए सबसे पहली जो टीम और जमात थी वो सहाबा की थी सहाबा के सामने वाक़ बयान किया कि किस तरह मूस इस्लाम की कौम बनराइल फजूल सवाल करती सवाल पर सवाल कठहजती करती थी तुम ऐसा मत करना सवाल बराए अमल करने की इजाजत है लेकिन कठुज्जती की कोई ज़रूरत नहीं फरमाया, फरमायासूल यानी तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं ये रब की इबादत बंदगी का हुक्म दे ईमान लाओ उनकी तरह सवाल मत करना उनके सवालत कितने खतरनाक थे कहते अरे हम ईमान नहीं लाएंगे हमको दिखाइए कि अल्लाह कहाँ है अब कितना खतरनाक सवाल था कहा क्या तुम उसी तरह बनना चाहते हो तो ये सवाल यानी इस्तीफा में इनकारी है तो यानी इनकार है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना तुम्हें इस तरह के सवाल करने की इजाजत नहीं है तुम्हारे लिए सवाल मुनासिब नहीं है तुम ऐसा सवाल करने वाले मत बन जाना तुम खैर उम्मत हो अफजल उम्मत हो तुम्हारा मकाम मर्तबा अलग है तो यह इस्तेफाम इनकार के लिए है कि उनके जैसा सवाल तुम कभी मत करना एक तो यह वजह हुई दूसरी कि उनके बाद सवाल कुफ्रिया होते थे अल्लाह की नेमतों का इनकार अंबिया की रिसालत का इनकार शक व शुभे का इजहार ये सब चीज़ें उनके सवालत में शामिल होती थी तुम वैसा मत करना ये साहबों को तरबियत दी गई और हमें भी तरबियत दी गई पूरी उम्मत मुसलिमा को यही तरबियत दी गई क़्यामत तक के लिए कि फजूल सवाल जिससे इहाद कुफ्र फ्क और मासीत झलके या उसकी बू आए ऐसे सवाल मत करना सवाल कायदे को हो। अमल के लिए हों रहनुमाई के लिए हों इसलिए कि इस्लाम एक अल्लाह की नेमत है कुफर बिल ईमान, यानि ईमान एक प्यारी नेमत है अब तुम ईमान को छोड़ करके कुफ्रिया चीज़ों में पड़ जाओ तो उसने तो गोया सीधा रास्ता छोड़ कर ख़ुद ही गलत रास्ते पर चला गया यानि गुमराही की चॉइस उसने खुद अपने लिए कर ली तो इस आयत में आयत नंबर एक सौ में अल्लाह ने हमारी या और आपकी उम्म मुसलिमा की एक तरबियत की है उसलूब सिखाया है ज़िंदगी गुजारने का सवाल करने का कैसे हम की मैलिसों में बैठें कैसे अहले इल्म के दुरुस् से फ़ायदा उठाएँ कैसे उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं, कैसे मालूम हासिल करें उनके साथ मामल कैसे करें आज हमारे लिए यही ही तो हैं जिनसे हम दीन सीखते हैं जो क़ुरान बयान करते हैं सुन्नत बयान करते हैं शरीयत के मसाइल बयान करते हैं तो हम अपने इल्म की कमी को दूर करें अमल की कमी को दूर करने के लिए सवाल करके अमल करें और हम एक अच्छे मोमिन की जिंदगी गुजारें न एक ही फजूल सवाल करके जिस तरह उन्होंने मूसा इस्लाम को परेशान किया था हम जो है अपने दौर में जो नबी के दौर के लोग थे उनके बारे में कि नबी को परेशान करें या हम अपने को परेशान करें नहीं सवाल बरा इल्म और अमल होना चाहिए और जिसने कठुजती फजूल मक़सद के लिए लड़ाने भिड़ाने के लिए शरफसाद या फितने के लिए सवाल किया तो कहा इस सबील वो सीधे रास्ते से भटक गया और वो बुरे रास्ते पर जाकर के पहुँच गया और वहाँ वो गुमराही का रास्ता है तो अहले इल्म ने इसीलिए सवालात की कई किस्में बयान की हैं पहली किस्म सवाल अमल के लिए किया जाए ये सुन्नत से साबित है साहब कराम करते थे सवालत दूसरी किस्म सवाल की कि बंदा सवाल का जवाब तो जानता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मिस में जो शर्मीले हैं सवाल ना करें तो इल्म सिखाने के लिए सवाल करना कि मेरे पूछने से लोग जवाब जान जाएंगे जैसे हदीस जबरील या मोहम्मद अकबर ने अनिल इस्लाम अनिलईमान उनको सब पता था लेकिन इल्म सिखाने के लिए आपसे सवाल किया था तीसरी जो बदतरीन सूरत सवाल की है के आलिम से मुफ्ती से इसलिए सवाल किया जाए कि देखें तो कितना जानते हैं कितने पानी में हैं और उसके बाद उसी हिसाब से फिर उनका तारुफ़ करेंगे उन पर तबसरा करेंगे ये यहूद का तरीक़ा था तो अल्लाह ने उसी रास्ते और उसी तरीके से मना किया कि तुम अमल के दाई बनो ऐसे सवालत करो जो अमल की तरफ तुम्हें उभारें और रागब करें आयत से जो चंद मसाइल साबित होते हैं पहला मसला बनु इसराइल की तरह फजूल सवाल करने से इस उम्मत को सख्ती के साथ मना कर दिया गया अगर कोई फजूल सवालत करता है तो उसके अंदर बनु इसराइल की एक पहचान या सिफत पाई जाएगी ईमान वालों की सिफत या नहीं फजूल सवाल करना और दूसरा जो मसला साबित होता है कि मूसा इस्लाम की कौम बन इसराइल तशद पसंद कीना परवर और जरूरत से ज्यादा काबिल बनती थी अम्बिया से ज्यादा अपने आप को बालाइित काबिल समझती थी तो इस उम्मत से कहा कि तुम ऐसा मत करना नबी के अहद वालों नबी से आगे मत जाना उम्मत के लोगों तुम जिनसे दीन सीखते होलम इनके आगे चैलेंज बनकर मत खड़े होना इला एक हों होंमाय सू या जलालत जो बिदत और कुफ़्र फैलाते हों वो नहीं है बस लफ्ज़ उनके साथ का है वरना वो एक कलंक है उम्मत के ऊपर लेकिन जो इल्म किताब सुन्नत को सलफ़ सालहीन के तरीक़े के मुताबिक बयान करते हैं उनके लिए चैलेंज मत बनना उनके लिए आज़माइश और फितने का सबब मत बनना फजुल सवाल के ज़रिए तीसरा जो मसला इस सबित होता है कि मूसा इस्लाम अल्लाह के रसूल थे और रसूल को रसूल से जोड़ा गया अंतस अलू रसूल मूसा मिन तुम्हारे रसूल जैसे आज मौजूद हैं इसी तरह मूसा इससे इस पहले रसूल थे तो बनु बन की तरह तुम सवालत मत करना यानी मूसा के रसालत का इस बात रसूल होना बरहक और साबित होता है चौथा मसला जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल ने सताया तकलीफ़ें दिया उसी तरह इस उम्मत के लोग भी नबी को सताते और तकलीफ़ें देते जैसा कि आपके कत्ल की साजिशें की गई आप पर हमले किए गए बुरा भला कहा गया इल्जामात लगाए गए नबी को क्या नहीं कहा गया तो अल्लाह ने नबी को भी तसल्ली दिया कि देखिए अगर उम्मत नाफरमानी सरकशी करे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपसे पहले अंबिया ये सब बातें झेल चुके हैं बर्दाश्त कर चुके हैं तो अल्लाह ने मूसा इस्लाम का जिक्र करके अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी पांचवा मसला दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान जो ईमान के बदले कुफर का सौदा कर ले चाहे जितनी खूबसूरती के साथ दुनिया सजाकर पेश कर दी जाए जितने अच्छे अंदाज में दुनिया सज जाए ईमान का मुकाबला दुनिया की खूबसूरती नहीं कर सकती ईमान का मुकाबला दुनिया की सल्तनत नहीं कर सकती ईमान का मुकाबला तख्तो ताज नहीं कर सकते जिसने ईमान के बदले कुफर को खरीदा और राजी हो गया वो सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है छठा मसला जो ईशाय से साबित होता है कि जिसने ईमान के बदले कुफर का सौदा किया तो उसने अपनी गुमराही खुद च्वाइज की गोया कि उसने हिदायत को ठुकरा दिया रसालत को ठुकरा दिया नेमतों को ठुकरा दिया और अल्लाह के एहसान को फरामोश करके कुफर को चुन लिया और बुरे रास्ते पे वो चला गया कितना बड़ा बदनसीब है इंसान सातवां मसला जो और आखिरी मसला ऐसा से साबित होता है कि जितने काफिर और मुशरिक हैं जिनको नबी की रसालत की ख़बर है आज तो कुरान पैगम्बर इस्लाम हिंदुस्तान में तो अब गैर मुस्लिमों को दावत पहुँचना क्या अब वो इस दावत को मिटाने के दर पर हैं इस दावत के मस्जिदों को मिटाना मुसलमानों को मिटाना मस्जिदों की जगह पे बुतखाने बनाना अब तो एक कुफ रहा तक दनधन आ रहा है तो अब ये तो वाजे है कि उन तक दीन पहुंच चुका इस्लाम पहुंच चुका लेकिन अदावत दुश्मनी और सरकशी की वजह से चैलेंज बन खड़े हैं तो ऐसे तमाम लोग कुफार मुश्किन इन लोगों ने अपने लिए गुमराही का रास्ता ख़ुद चुना है और फिर सीधा रास्ता हक़ का रास्ता है जन्नत का रास्ता है तो इस आयत में ईमान वालों की बेहतरीन तरबियत की गई ताकि दीन अकीदा तालीम उनकी मज़बूत रहे इम हासिल करने के आदाब सीखना चाहिए पढ़ने के आदाब सीखने के आदाब सवाल करने के आदाब जवाब की कदर व कीमत समझने के आदाब उसको दूसरों तक फैलाने के आदाब ये सब पैगाम इस आयत नंबर एक सौ आठ में दिए गए बकरा की अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमें नाफ़िरता फ़रमाए और अमन साले की तोफ़ी बख्शे और पिछली कौमों के जो वाक़ बयान किए गए इबरत व नसीहत के लिए उनसे हमें इबरत हासिल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीर वाल नबीना मुहम्मद महमद वही वहब ही किराम नाजरन अल सराबरा की आयत नंबर एक सौ आठ की तफसीर के बाद इन अगली मजलिस में आयत नंबर एक सौ नौ के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिरी होगी जब तक के लिए इजाज़त दीजिए جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته